हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए हो कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मलिक फैमिली के बारे में बात करने जा रही हूँ। मलिक फैमिली एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। अभी तक मलिक फैमिली में चीकू मतलब अरमान मलिक और उनकी दो दो बीबियाँ, तीन एक चीकू, चार मेंबर थे उनके फैमिली में। अब आ गया है अयान, सहज मलिक अयान, दो दो नाम रखे गए हैं उनके। तो नाम भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आप नाम भी जान गए। तो उनके दो दो नाम हैं, तो पांच मेंबर हो गए उनकी फैमिली। अब तो बहुत ही मज़ा आएगा। और आप लोग डेकोरेशन देख रहे हो घर में, पूरे घर में डेकोरेशन, ये सारी डेकोरेशन पायल दीदी ने अकेले ही किया है, क्योंकि ये तूने सेट किया था ना पिछली बार भी, है ना? ये सेट ने किया था कल हमारा बेबी आने, बहुत गलत किया इन्होंने, मम्मी वालों ने झूला तो इतना बड़ा दे दिया हमें। अगर उनके घर पे कोई भी नहीं था, सब हॉस्पिटल में थे, तो अकेले पायल दीदी ही लगी रही। और पायल दीदी बहुत अच्छी हैं। और देखो, अरमान मलिक की दोनों वाइफ हैं, पायल मलिक भी और कृतिका मलिक भी। पायल ने अपनी पति की मतलब वाइफ के बच्चे के लिए इतना कुछ किया, इतना कोई कर सकता है क्या? नहीं भाई, कोई बहुत सारे लोग तो जलने लगते हैं भाई। पायल दीदी बहुत अच्छी हैं और इतना उन्हें अकेला किया। और जो मच्छरदानी वगैरह और मॉस्किटो नेट तो बच्चे के लिए मंगाया है, और क्या बोलते हैं झूले उले, जो झूला उला होता है वो सादा आता है मार्केट से, फिर उन्हें वॉल्ट वगैरह कसे और बच्चों के लिए रेडी किया है। तो भाई अकेले पायल दीदी ने इतना कुछ कर लिया, बहुत उसकी बात है। तो इतना कोई अकेले नहीं कर पाता है। और पायल दीदी की बात करो, पायल दीदी की बात ही अलग है भाई। तो हम यही बताने आए कि पायल दीदी ने इतना अपनी, तो दोस्तों पायल ने निभाई सास सारी जिम्मेदारियाँ, पायल ने सारी रस्में निभाई। सोचो अकेले, तो पायल दीदी बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना। बाय।